डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे इट का प्रयोग अनुवाद करते समय किस प्रकार से इट का प्रयोग करना है और कहां पर लगाया जाता है। पहचान, यह एक इंट्रोडक्टरी परिचायक या कार्यवाहक सब्जेक्ट होता है। जिन वाक्यों में कर्ता का पता लगाना सरल ना हो, अर्थात समय, दिन, दिनांक, महीना, वर्ष, ऋतु, मौसम, दूरी, हवा, वर्षा इत्यादि प्रकट करने वाले वाक्यों में इट का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे 2 बजा है तो इट इज़ 2 o'clock, आज बुधवार है। इट इज़ वेडनेसडे टुडे, जून है, इट इज़ जून। वर्ष 2021 है, इट इज़ 2021। गर्मियां हैं, गर्मियां चल रही हैं, तो दोनों का ट्रांसलेशन, इट इज़ समर, आज बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज ठंड है। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। तो इस प्रकार से इट का प्रयोग करते हैं। मौसम, महीना, वर्ष, ये आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, इट का प्रयोग इनमें होता है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी प्रकार के सरल ट्रांसलेशन में नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।